रात से सुबह हो गई, अभी तक मेरे पति घर नहीं आए। जाती हूँ सीता की मदद लेती हूँ। सीता 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 सीता, अरे ओ सीता, सोई हो या उठ गई हो? हाँ गीता, हाँ क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हो? हाँ भाभी, क्या हुआ, आप बहुत परेशान लग रही हैं। अरे क्या बताऊँ सीता, मेरे पति कह के गए थे कि रात तक घर आ जाएंगे, लेकिन वो अभी तक नहीं आए। अच्छा तुम परेशान मत हो, हम लोग उनको ढूंढने चलते हैं। अरे ओ सीता गीता, तुम लोग इतना शोर क्यों मचा रही हो? अरे क्या बताऊँ, गीता का पति अभी तक वापस नहीं आया है, वो बाज़ार से सामान लाने गया था। अच्छा अच्छा चलो चलो मिलके उसे ढूंढते हैं। क्या श्याम भैया अभी तक घर नहीं आए? जल्दी जल्दी जंगल की तरफ चलते हैं, वहां जाकर देखते हैं कहीं वो फंसे तो नहीं हुए। यहाँ तो वो कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। तुम लोग सब मेरे पीछे पीछे आओ जल्दी। ए जी, आप यहाँ हैं? हमको रात भर चिंता हो रही थी आपकी। क्या हो गया, आप यहाँ जंगल में कैसे फंस गए? क्या बताओ गीता, मेरे बैलगाड़ी का चक्का ही निकल गया था, मुझे तो डर लग रहा था बहुत ज्यादा, और इसलिए मंदिर में ही सो गया, और कब आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। मेरे गायों ने भी बेचारों ने रात से कुछ नहीं खाया है, जल्दी जल्दी घर चलते हैं, जाकर जल्दी से दुकान भी खोलनी है। अरे श्याम भैया, शाम को जल्दी बाजार से आ जाना चाहिए था आपको, इस जंगल में शेर चीता बाघ जैसे जंगली जानवर रहते हैं, मुझे तो आपकी चिंता हो रही थी। हाँ भैया, आप जल्दी जल्दी घर चलिए, हम लोगों को राशन का सामान भी लेना है, चलिए जल्दी। ठीक है, गांव की तरफ चलते हैं, जाकर घर पे मुन्नी से भी मिलना है। चल चल हीरा मोती चल। सुनिए ना जी, राशन का सब सामान ख़त्म हो गया है, मैं आती हूँ श्याम भैया के दुकान से सामान लेके। टोकरी ले लेती हूँ। ठीक है, जल्दी आ जाना, परी और बच्ची लोगों को जल्दी भूख लग जाती है, वो लोग उठ जाएंगे, रोएंगे भी। मैं भी चलती हूँ सीता, मैं भी थोड़ा बहुत कुछ सामान बच्चों के लिए ले लूँगी। ठीक है चलो। अरे श्याम भैया, आप तो बहुत सारा सामान लेके आ गए बाजार से। हाँ दीदी, क्या बताऊँ, रात में बैलगाड़ी का चक्का ही निकल गया था, मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं जंगल से चोर आके सारा सामान न ले जाए। हाँ आप सही बोल रहे हैं भैया। चलिए अब ये बताइए, आलू प्याज ये सब कैसे केजी है? आलू 20 रुपए केजी है भाभी, और लहसुन 200 रुपए केजी। ठीक है जल्दी जल्दी दे दीजिए, मुझको भी दे दीजिए भैया, मैं भी जाके घर पे खाना बनाऊंगी। भैया ये लीजिए टोकरी, इसी में आलू प्याज लहसुन 1 केजी चावल दाल सब डाल दीजिए। लाइए भाभी, दीजिए टोकरी, सब दे देता हूँ।
सामान ले ली हूँ, जल्दी जल्दी घर चलती हूँ। भाभी आ गए आप? हाँ परी, सामान लाने गई थी, बताओ क्या बना दूँ तुम्हारे लिए? भाभी आज छोला भटूरा बना दीजिए मेरे लिए। ठीक है। भाभी मेरा बर्थडे आ रहा है, आप मेरे बर्थडे की तैयारी कर रही हैं ना? हाँ हाँ परी, मैं कैसे भूल सकती हूँ, भैया को बोल दिया है मैंने, तुम्हारे लिए नए नए कपड़े और सारा सामान ला देंगे। ओ भाभी आप कितनी प्यारी हैं, थैंक यू भाभी। रामू भैया को ढूंढने के चक्कर में गाय का तो दूध ही नहीं निकाला, जल्दी जल्दी निकाल लेता हूँ और फिर शहर में बेचाऊंगा। आज तो गैया ने बहुत दूध दिया है, शहर में बेच के आता हूँ। अरे ओ सीता, गाय का दूध निकाल लिया है मैंने, शहर जा रहा हूँ मैं, बेच के आता हूँ। ठीक है जी, तब तक मैं घर की साफ सफाई कर लेती हूँ और सारा सामान ठीक कर लेती हूँ। अरे सीता बहन, बहुत दिन हो गए हैं हम लोग बाजार नहीं गए, साड़ी और गहने भी खरीदने हैं, चलोगी? हाँ हाँ आज शाम में चलेंगे हम लोग तैयार होके। ठीक है, शाम में मिलते हैं फिर। ठीक है बहन। मुन्ना ने तो पूरा घर फैला दिया है, चाहती हूँ सारा सामान ठीक कर देने। परी मुन्ना को यहाँ से ले जाओ तो बाबू, मैं घर ठीक कर रही हूँ। ठीक है भाभी, ले जाती हूँ मैं इसको। चलो मुन्ना चलो। क्यों इतनी शैतानी करते हो बाबू, मम्मा को इतना परेशान नहीं करना चाहिए ना, चलो अब तुम बुआ के साथ खेलना। ठीक है। सारा काम कर लिया है, नहा के जाती हूँ मंदिर में, पूजा कर लेती हूँ, फिर आराम कर लूँगी। इससे पानी भर लेती हूँ। नहा लिया मैंने, अब जाके मंदिर में प्रणाम कर लेती हूँ भगवान को। हे भगवान जी, मुझे आशीर्वाद दें। चलो अब घर चलते हैं, वहाँ जाके आराम करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर हम लोगों की कहानी आपको पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे आगे की कहानी जान सकें।